27 तारीख को गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा इंग्लैंड और इंडिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला। इंग्लैंड की जर्नी भी बहुत शानदार रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 में, तो वहीं इंडिया अभी तक अनबीटन है, एक भी मुकाबला हारी नहीं है। आपको बता दें कि दोनों ही टीमों का जो इतिहास है T20 वर्ल्ड कप में बहुत ही कमाल करा है। अगर दोनों ही टीमों के हेड टू हेड पे आप नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि 4 मुकाबले अभी तक दोनों ही टीमों ने खेले हैं, जिसमें से 2 मुकाबला इंग्लैंड ने जीता है तो 2 मुकाबला इंडिया ने अपने नाम किया है। लेकिन बहुत ही ज्यादा सब लोग एक्साइटेड तो है इस मुकाबले को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि बारिश का साया मंडराता हुआ नजर आए इस मुकाबले पे, क्योंकि वेदर रिपोर्ट की माने तो ऐसा बोला जा रहा है कि बारिश हो सकती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस मुकाबले के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया है। लेकिन अगर बारिश होती है तो फिर इंडिया को ही फायदा होगा अगर ये मुकाबला रद्द हो जाता है तो, क्योंकि इससे इंग्लैंड बाहर चली जाएगी और इंडिया डायरेक्ट फाइनल में एंट्री मिल जाएगी इंडिया को, क्योंकि इंडिया अभी टेबल टॉपर बनी हुई है तो इसका फायदा इंडिया को मिल सकता है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली है, यानी कि पेसर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, स्पिनर्स को भी हेल्प है, लेकिन स्पिनर्स को इतनी ज्यादा हेल्प नहीं है। वहीं अगर पिच की फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की आप बात करें तो 127 है और सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो वो 95 है। इससे क्लियर पता चल रहा है कि बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, बैटर्स को इतनी ज्यादा हेल्प नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, यानी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना प्रेफर करेगी, बाद में बॉलिंग करना प्रेफर करेगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि की प्लेयर्स कौन कौन हो सकते हैं दोनों टीमों से। अगर इंग्लैंड की बात करें तो फिल सॉल्ट और जॉस बटलर की जोड़ी अभी तक सुपरहिट रही है, वहीं बॉलिंग में बहुत अच्छा कर रही है इंग्लैंड की टीम। लेकिन अगर इंडिया पे आए तो इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली की ओपनिंग जोड़ी को ट्राई किया गया इस बार वर्ल्ड कप में, लेकिन ये ओपनिंग जोड़ी सुपर फ्लॉप साबित हुई है, क्योंकि विराट कोहली अभी तक एक अर्धशतक भी उनका नहीं आया है, तो वहीं रोहित शर्मा कमाल धमाल बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, शिवम दुबे भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस विराट कोहली की नहीं आ पा रही है। ऐसे में उम्मीद होगी सेमीफाइनल यानी कि बड़े मंच पर विराट कोहली कुछ करके दिखाएं, अच्छे रन बनाकर दिखाएं। बाकी आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला कौन जीतेगा, इंग्लैंड या फिर इंडिया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकप्लेक्स।